हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे टैमरलेन द ग्रेट, जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था 1587 में, और इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होने के कारण इसका सेकंड पार्ट 1588 में लिखा था। टैमरलेन वही राजा है जिसे हम तैमूर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी समरी दो पार्ट में है, तो पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नेट के एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम में आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी पार्ट वन की। पार्ट वन की समरी में मिसिटस, जो किंग ऑफ पर्सिया है, वो अपने भाई कॉसरोय से डिस्कस कर रहा होता है कि एक सिंथियन सेफर्ड है टैमरलेन नाम का, जो अपने साथियों के साथ हमला करता है, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। तो कॉसरोय अपने भाई से बोलता है, क्या महाराज आप उस सेफर्ड से डर गए? तो मिसिटस बोलते हैं कि वो एक साधारण सेफर्ड नहीं है, वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर आदमी है। तो मिसिटस अपने चीफ कैप्टन थैरिडेमस को भेजता है टैमरलेन को मारने के लिए। अब पहली बार टैमरलेन स्टेज में दिखता है जिसने इजिप्शियन प्रिंसेस जेनोक्रेट को कैप्चर कर लिया है। जेनोक्रेट के साथ एक लॉर्ड भी है, एगिडस। अब एगिडस जेनोक्रेट को समझाता है कि तुम इसे अपना फ़ायदा उठाने मत देना और ना ही शादी करना। जब एगिडस ये देख लेता है कि टैमरलेन ने मेरी बात सुन ली है, तो टैमरलेन के टॉर्चर के डर से वो खुद अपने आप को खंजर मार लेता है। अब थैरिडेमस, जो चीफ कैप्टन है मिसिट का और जो हमला करने आया था टैमरलेन को, वो टैमरलेन के साथ खुद जुड़ जाता है, और कॉसरोय जो मिसिट का ब्रदर है, वो भी टैमरलेन के पास आ जाता है। अब ये तीनों मिलके मिसिट, जो किंग ऑफ पर्सिया, उस पर हमला करते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। और कॉसरोय जो मिसिट का भाई था, जो इस उम्मीद से टैमरलेन के पास आया था कि मिसिट के मरने के बाद मैं किंग ऑफ पर्सिया बन जाऊंगा, उसे भी टैमरलेन मार देता है और किंग ऑफ पर्सिया बन जाता है। अब नेक्स्ट एक्ट में टैमरलेन टर्किश किंग बेजाजैत पर हमला करता है, और बेजाजैत और उसकी पत्नी ज़बीना को स्लेव बना लेता है और बहुत टॉर्चर करता है। अब टैमरलेन का नेक्स्ट टारगेट है सुल्तान ऑफ इजिप्ट। तो सुल्तान ऑफ इजिप्ट को जैसे भनक लगती है, तो वो अरेबियन किंग को बुलाता है अपनी मदद के लिए। अब टैमरलेन सुल्तान ऑफ इजिप्ट और अरेबियन किंग दोनों की आर्मी में हमला कर देता है। सुल्तान ऑफ इजिप्ट एक ग्रुप ऑफ वर्जिन को भेजता है टैमरलेन के पास कि तुम लोग जाओ, शायद टैमरलेन हमला बंद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, टैमरलेन जितनी भी वर्जिन रहती हैं उनको मार देता है और उनके सिर काट के दीवार पर लटका देता है, और सुल्तान ऑफ इजिप्ट और अरेबियन किंग को हरा देता है। इसी बीच जब टैमरलेन युद्ध में गया होता है, तो बेजाजैत दीवार में सिर पटक पटक कर सुसाइड कर लेता है, और उसकी वाइफ ज़बीना भी ऐसा ही करती है, वो भी सुसाइड कर लेती है। अब टैमरलेन जेनोक्रेट को प्रिंसेस ऑफ पर्सिया बना देता है, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ड्रामा का ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में टैमरलेन अपने तीन बच्चों को बार के बारे में समझा रहा होता है कि कैसे हमें युद्ध करना चाहिए। तो टैमरलेन के दो बेटे तो बिल्कुल उसके जैसे ही हैं, क्रूअल, निर्दयी, लेकिन उनमें से एक बेटा कैलिफेस उनके जैसा नहीं है, वो थोड़ा काइंड है। अब टैमरलेन का नया टारगेट है ऑर्किन, किंग ऑफ नेटोलिया। तो ये थैरिडेमस टैचलिस, जो किंग ऑफ फेज हैं, ऑसुमकेसन, जो किंग ऑफ मोरक्को हैं, इन तीनों के साथ बढ़ते हैं नेटोलिया की तरफ, वहाँ पे अटैक करने के लिए। इसी बीच पता चलता है कि कैलपिन, जो टर्किश किंग बेजाजैत का बेटा है, जिसे बंदी बना लिया था टैमरलेन ने, वो प्रिजन से भाग जाता है। अब जब टैमरलेन नेटोलिया जा रहा होता है हमला करने ऑर्किन को, तो पता चलता है कि ऑर्किन खुद सिगिसमोंड, जो किंग ऑफ हंगरी है, उस पर हमला करने गया होता है। इसी बीच खबर आती है कि जेनोक्रेट बीमार है और मरने वाली है, तो टैमरलेन वापस लौट जाता है। जब टैमरलेन पहुंचता है जेनोक्रेट्स के पास, वो मर चुकी होती है। तो गुस्से में टैमरलेन पूरी सिटी में आग लगवा देता है और मना करता है कि कभी ये सिटी दोबारा नहीं बनेगी। इसी बीच कैलिपिन अपने आप को टर्किश किंग घोषित कर देता है, और ये प्रॉमिस करता है कि मैं टैमरलेन से रिवेंज लूँगा अपने माता और पिता की डेथ का। नेक्स्ट एक्ट में टैमरलेन के दो बेटे, तीसरे बेटे कैलिफेस को परेशान कर रहे होते हैं, और टैमरलेन जब ये देखता है कि मेरा तीसरा बेटा वीक है, तो वो खुद अपने बेटे कैलिफेस को मार देता है खंजर से।
यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि टैमरलेन कितना निर्दयी है जिसने अपने खुद के बेटे को मार दिया। अब टैमरलेन का नेक्स्ट टारगेट है बेबीलोन। तो टैमरलेन बेबीलोन पहुँचता है और वहाँ के गवर्नर को मार देता है और टांग देता है, और जितने भी लोग बेबीलोन के थे सबको डुबा कर मार देता है। वहाँ पर जितनी भी इस्लामिक बुक थी उनको जला देता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो खुद गॉड हो। अब टैमरलेन पर्सिया लौटता है जहाँ वो बहुत बीमार हो चुका है। इसी बीच कैलेपिन टैमरलेन पर हमला करता है और हमेशा ये कसम खाता है कि मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। अब टैमरलेन बहुत बीमार हो चुका है तो उसने अपने बेटे एमिरस को अपना सक्सेसर बना देता है, लेकिन एमिरस कहता है कि पिताजी मैं आपके जितना महान कवि नहीं हो सकूँगा। और यहाँ पर प्ले ख़त्म हो जाता है। अब हम इस प्ले के कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज टैमरलेन्स ऑक्यूपेशन बिफोर ही टुक अप बार? शेफर्ड, पोएट, ब्लैकस्मिथ और फार्मर? एंड द करेक्ट आंसर इज शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टैमरलेन्स 3 चिल्ड्रन इज द मोस्ट डेवलप्ड कैरेक्टर? नन ऑफ द अबव, सेल्विनियस, कैलिफेस, एमिरस? एंड द करेक्ट आंसर इज कैलिफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉसरॉय बिगेस्ट मिस्टेक इन डीलिंग विद टैमरलेन? ही गिव्स हिम टू लार्जर रिवॉर्ड मेकिंग हिम ग्रीडी, ही अंडर एस्टिमेट हिम, ही इंसल्ट सिंथियन एंड रेजिंग टैमरलेन, ही फॉरगेट टू आस्क टैमरलेन टू स्वेल लॉयल्टी टू हिम? एंड द करेक्ट आंसर इज ही अंडर एस्टिमेट्स टैमरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैमरलेन रिस्पॉन्ड टू द प्लीज ऑफ वर्जन ऑफ डेमस्कस बाय हैविंग देम किल्ड एंड हंग ऑन द वॉल ऑफ सिटी, सिंपथाइजिंग बाय रिफ्यूजिंग टू गो बैक ऑन हिज वर्ड, रिफ्यूजिंग टू ग्रैंड मर्सी बट अलाउंग देम टू रिटर्न टू द सिटी, एग्रींग टू स्पेयर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ डेमस्कस? एंड द करेक्ट आंसर इज हैविंग देम किल्ड एंड हंग ऑन द वॉल्स ऑफ सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेपिन वोज टू किल टैमरलेन एज पेमेंट फॉर वॉट क्राइम? कैप्चरिंग कैलेपिन्स वाइफ, हिज पेरेंट्स डेथ, एरसन, स्टीलिंग हॉर्सेस? एंड द करेक्ट आंसर इज टू टेक रिवेंज ऑफ हिज पेरेंट्स डेथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर। थैंक यू।